हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में है आपके पास में। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत दिनों बाद में बात कर रहा हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इस टॉपिक के बारे में मैंने बात नहीं की है। मतलब आप लोगों ने तो बहुत सारे कमेंट किए हैं मेरे को, बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं, और लेकिन मैं बात नहीं कर पाया था क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गया था। और थोड़ी बहुत वैसे अलग वीडियोज़ मैंने मतलब उस टाइम में सेट कर रखी थी, तो उस वीडियोज़ में मेरे को लानी थी। आपको पता है मैं वीडियोज़ अलग लेके आने लग गया था, अनबॉक्सिंग वगैरह भी मैं लेके आने लग गया था। तो वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों मैं इतना लेट हो गया आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में, मुझे क्या दिक्कत आ गई थी, और आपके क्या क्वेश्चंस थे, आपके मतलब अलग ही क्वेश्चंस थे, वो उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को पूरी देखना, आज तो वो पूरी देख ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मतलब चीज़ें छोड़ देते हो, फिर आप मेरे से वो कमेंट में पूछते हो तो मैं आपको फिर आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि हर बारी एक ही क्वेश्चन आप पूछते हो, और मैं हर बारी कई बारी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ ऐसी मतलब कि क्या आपके क्वेश्चन हैं, क्या कुछ है, क्या मतलब उनके आंसर हैं, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो आपको वो चीज़ें पता नहीं चल पाती है। तो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, वीडियो को पूरी देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिजल्ट से रिलेटेड। आपको पता है रिजल्ट से रिलेटेड मैं बात एक बारी स्टार्टिंग में भी मतलब मैं कर चुका हूँ, एक बारी बहुत पहले मैं कर चुका हूँ, जब मैंने ये अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट किया था उससे पहले एक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, और कुछ ने तो वो देख भी लिया फिर भी मेरे को क्वेश्चन वो पता नहीं अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप क्या क्वेश्चन में से पूछ रहे हो। आप लोग कह रहे हो कि रिज़ल्ट लेके आओ, रिज़ल्ट लेके आओ। तो रिज़ल्ट के बारे में मैं बात कर चुका हूँ एक बारी आपसे, जब मैंने वो वाली वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको लिंक भी कई लोगों को प्रोवाइड किया था उसका, तो लोग कहते हैं हमने तो देख ली, फिर भी वो वही क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन आप मेरे से बोल रहे हो कि रिज़ल्ट लेके आओ, जो गिवेस किए उनके रिज़ल्ट लेके आओ। तो उनके रिज़ल्ट मैंने आपको बोला भी था कि ना आप लोगों ने कुछ में से ना आप लोगों में से कुछ लोगों ने ना मेरे से कहा था कि अनबॉक्सिंग लेके आओ, अनबॉक्सिंग लेके आओ। तो उस टाइम पे मैं अनबॉक्सिंग लिया था, मैं अनबॉक्सिंग का मैंने बोला था कि अनबॉक्सिंग लेके आऊँगा। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि शुरुआत में मैंने गिवे किए हैं, फिर मैं उनकी अनबॉक्सिंग लेके आऊँगा, फिर मैं उनका रिज़ल्ट लेके आऊँगा, तो फरवरी के एंड तक उनके रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन लोग मेरे को कमेंट करने लग गए कि नहीं रिज़ल्ट लेके आओ, रिज़ल्ट लेके आओ। पहले तो बहुत कम लोग कमेंट करते थे कि रिज़ल्ट लेके आओ, रिज़ल्ट लेके आओ, लेकिन उसके बाद में अब थोड़े ज़्यादा लोग हो रहे हैं कि रिज़ल्ट लेके आओ, रिज़ल्ट लेके आओ। और उन्हीं लोगों जो अब बोल रहे हैं ना रिजल्ट लेके आओ, वही लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप अनबॉक्सिंग लेके आओ पहले। अब मैं अनबॉक्सिंग भी लेके आने लग गया हूँ तो वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट लेके आओ। तो मेरे को आपका पता नहीं चल रहा आपको चाहिए क्या, रिजल्ट चाहिए, अनबॉक्सिंग चाहिए, कि क्या गिवअवे चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि गिवअवेज लेके आओ, और कुछ लोग अभी भी मेरे को बोल रहे हैं कि मैं आपको एक कमेंट आपको दिखा भी दूंगा, सर गिवे की अनबॉक्सिंग भी कर दिया करो साथ में, और सर आपका वीडियो ओपी है ऑसम। तो वो बोल भी रहा है कि गिवे की अनबॉक्सिंग भी कर दिया करो, तो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो आप लोग बोल रहे हो कि इसका रिजल्ट लेके आओ, रिजल्ट लेके आओ। तो मैंने बोला भी था अपनी वीडियो, मैंने आपको एक बारी बना के भी दी थी कि ना आपको एंडिंग में फेब के एंडिंग में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में मैंने है ना इसलिए भी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि ना जो मेरे फेक व्यूअर होते हैं ना, जो फेक तरीके से बस वो सब्सक्राइब करके रखा होता है और वो देखते नहीं वीडियोस को, कभी कभी आते हैं कि वो चले जाएं, वो मैंने ऐसे अब बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं वो जा चुके हैं, तो वो मैं इसीलिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ रिजल्ट लाने में, कि जो फेक लोग होते हैं ना जो वीडियोज़ को नहीं देखते बस सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो लोग चले जाएँ, क्योंकि तब मैं रिजल्ट लेके आऊँगा ना, तब मैं उस टाइम पे उनको है ना डीसेलेक्ट कर सकूँ, उन्हें डिसक्वालीफाई कर दूँ। क्योंकि अभी क्या होता है वो बस सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो बाद में वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें फिर बिना कुछ करे भी वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं ना टाइम लगा रहा हूँ रिजल्ट लाने में, कि जो वह फेक लोग हैं ना वो चले जाएँ। इस टॉपिक के बारे में लेट भी मैंने इसलिए बात की, मैं इतने दिनों से बात नहीं की, कि वो लोगों को कहीं पता ना चल जाए कि ऐसा भी कुछ रूल अभी चल रहा है कि वो अगर चले जाएंगे तो ऐसा कुछ भी हो जाएगा, वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं इतना लेट मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं कई बारी वीडियोज़ में बोल भी चुका हूँ कि ना आप लोग है ना बस मेरे को सपोर्ट करके रखिए, आपको मैं रिजल्ट लेके आऊँगा। फेब की एंडिंग में मैंने आपको कई लोगों को कमेंट करके भी रिप्लाई करके भी बताया था, लेकिन लोगों को नहीं पता नहीं मानना नहीं है क्या नहीं है, और वो जो लोग जा रहे हैं ना मैं इसीलिए मैंने इतना टाइम लगा रहा हूँ कि वो लोग चले जाएँ, वो लोग जो फेक लोग हैं वो चले जाएँ, वो इतना वेट ना करें, उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें फेक तरीके से जुड़े रहना पड़ रहा है, तो वो लोग चले जाएँ जिससे मेरे जो जेन्युइन व्यूअर है ना जो जेन्युइनली देखते हैं उनको ये मिल पाए। इसीलिए मैं ना इतना टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोग है ना पता नहीं क्या कर रहे हो, आपको क्या मतलब हो रहा है कि आप है ना रुक ही नहीं रहे हो, आपको
मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप रुक जाओ, जो फेक है उन्हें एक बारी जाने दो, वो चली जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो जा चुके हैं, वो इंस्टाग्राम से छोड़ के भी जा चुके हैं, वो यूट्यूब से छोड़ के भी जा चुके हैं, और फेसबुक पे तो आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। मैंने आपसे बोला था कि तब मैं रिजल्ट लेके आऊँगा, तो वो हो सकता है मैं वहीं पर रिजल्ट डिक्लेयर करूँ। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप रिजल्ट कहाँ पर डिक्लेयर करोगे, तो मैंने कहीं पर भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं फेसबुक पे कर सकता हूँ, यूट्यूब पे कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि आप मेरे को सभी जगह पे फॉलो कर लीजिए, आपके पास अकाउंट वगैरह है, आपके दोस्तों के अकाउंट वगैरह हैं, तो बस आपको यही चीज़ें करनी है कि आपको मेरे को फॉलो करके रखना है। अगर आप फेक हो ना, तो अभी भी अगर मेरे को पता कुछ लोग फेक तरीके फेक वाले लोग भी यहाँ पे आ गए होंगे वो देखने के लिए कि रिजल्ट के बारे में बात है, तो आप वो चले जाओ, आप जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इतना टाइम लगा रहा हूँ कि जो फेक लोग देखने आते हैं ना वो चले जाएँ, जो मेरे साथ जेन्युइनली नहीं आते ना वो चले जाए। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी तो मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अनबॉक्सिंग करूँ ना उसके अंदर भी आपको एक स्टेप दिखा दूँ। बस उसके अंदर मैं बोलूँगा नहीं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आपको ये करना है, आपको सिर्फ मैं एक पिन नंबर दिखा दूँगा, आपको वो पिन नंबर कमेंट वगैरह में लिखना होगा, मतलब आपको वो कमेंट नंबर भी वहाँ पे लिखना होगा। इसलिए मैं अब है ना वहाँ पे अनबॉक्सिंग जो करूँगा ना, और अनबॉक्सिंग के अंदर भी कुछ लोगों को डाउट था कि आपके हाथ क्यों चेंज होते हैं बारी बारी, हाथों के कलर क्यों चेंज होते हैं, तो मैंने उसका भी एक वीडियो में जब स्टार्टिंग में था मैंने वीडियो बनाई थी कि अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने उसका आंसर दिया था। क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं इधर से उधर बाहर जाता रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मेरा कभी कभी मैं वीडियोज़ बना देता हूँ, कभी कभी मेरा भाई वीडियोज़ बना देता है, कभी मेरा दोस्त बना देता है, क्योंकि हम एक ही जगह पर स्टेबल नहीं रहते हैं अभी, मतलब मैं स्टेबल नहीं रहता हूँ, तो कभी वो बना देता है, कभी कोई और बना लेता है, तो इस तरीके से वीडियोस अलग अलग हाथ से बन जाती है, बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। अब मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं वो ये वाली वीडियो देखेंगे नहीं, और फिर आगे वाली वीडियोस में मेरे को कमेंट करके बोलेंगे कि हाथ वगैरह अलग है। मैं तो बस उसके अंदर बाद में वॉइस ओवर करता हूँ, क्योंकि ना मेरे को कहीं भी बाहर जाना होता है, फिर अचानक से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाता हूँ, मेरे को मतलब इधर उधर ट्रैवल वगैरह करना होता है, तो मैं वो वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, तो इसीलिए ना मेरे हाथ वगैरह चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कभी भाई बना देता है, कभी मेरा दोस्त बना देता है, तो अलग अलग होते हैं, तो बैकग्राउंड भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि कभी किसी और के घर पर बना देते हैं, कभी क्योंकि डेस्क वगैरह तो सबके घर पर होते हैं, और मेरा दोस्तों के वगैरह घर पर भी मैं बना लेता हूँ, तो उसमें इसीलिए चेंज होता रहता है। मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हो, पता नहीं क्यों, क्या आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन बस यही मेरे आज मैं आंसर देने आया था कि ना एक तो उनके रिजल्ट कब आएंगे, रिजल्ट मैं बता चुका हूँ कि फैब में आएंगे, लोगों के क्वेश्चंस थे रिजल्ट फैब में आएंगे, फैब की एंडिंग में, अब वो एंडिंग में स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जितने मैंने पहले गिव किए ना उनके सबकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा, सबकी अनबॉक्सिंग करने में मेरे को 1 मंथ लग जाएगा, और बीच में मेरे को ये थोड़ा बहुत भी दिक्कत आ गई थी, मैंने अलग अलग मतलब मैंने अलग वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग अभी सबकी बाकी। आप लोगों ने कहा था, मैं अनबॉक्सिंग खुद की तरफ से नहीं लेके आ रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे से कहा था कि अनबॉक्सिंग करो तभी आप मतलब हम आप पे यकीन करेंगे, तो मैंने अनबॉक्सिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। अनबॉक्सिंग में भी आपको अब 1 महीना तो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिजल्ट फिर मैं करूँगा, तो उसमें आपको वेट तो करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो आप चले जाओ, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं है। आप अगर वेट नहीं कर पा रहे हो, इतना वेट आपसे नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ के चले जाओ, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर अब आपका क्वेश्चन था कि आपके हाथ चेंज होते हैं, तो उसका आंसर भी मैं दे चुका हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं पहले भी इसका आंसर दे चुका हूँ, लेकिन लोगों को फिर भी पता नहीं क्या है, बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि अलग अलग है, अलग अलग है, तो वो इसीलिए है क्योंकि अलग अलग में बस मैं तो अपनी वॉइस वगैरह देता हूँ, कभी कभी मैं जब एक जगह पे होता हूँ तब मैं बना देता हूँ, लेकिन बाकी ज़्यादातर मैं वॉइस वगैरह ही देता हूँ, कि वो मेरे को भेज देते हैं अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करके, उसके बाद में मैं वॉइस देता हूँ, वो मेरे दोस्त होते हैं, वो अपने मेरे भाई भी होता है, और ऐसा नहीं है मेरे अकेला भाई, मेरे चाचा ताऊ का मतलब, तो इस तरीके से कज़न ब्रदर वगैरह भी मेरे मतलब कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सारी चीज़ें तुरंत ही तुरंत कर लो, मेरे को टाइम लगता है, मेरे को करना पड़ता है, मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है, फिर उसका टाइमिंग मेरे को पर डे मैं अपलोड करता हूँ। और आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि किस टाइम पर आप ज़्यादा फ्री होते हो, आप किस टाइम पर मेरे को देखोगे। मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा था, उसमें तो मेरे से बोला था कि 12 बजे से पहले ही आप सुबह 12 बजे से पहले ही अपलोड कर दो, लेकिन मेरा उस टाइम तक नहीं हो पाता है चीज़ें, तो आप मेरे को बता सकते हो कि आप मेरे को कब ही मतलब ये मैं अपलोड वगैरह करूँ। और आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो भी आप मेरे से अभी भी पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी वीडियो में पूछ लो, ऐसा नहीं कि किसी और वीडियोज़ में आप पूछ रहे हो, इस जो आंसर मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ उसके भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है। और जो फेक अभी भी अगर कोई फेक जुड़ा हुआ है ना तो वो चाह सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो चले गए हैं, तो वो अच्छी बात है, जो मेरे जेन्युइन व्यूअर है वो उनको मिलने वाला है,
जो जेन्युइन तरीके से सही तरीके से देख रहे हैं, सही तरीके से मेरे को वीडियोज़ पे आ रहे हैं, हर वीडियोज़ पे वो आते हैं, हर वीडियोज़ पे वो कमेंट करते हैं, तो वो वाले वीडियो मेरे को ज़्यादा सही लगते हैं। अभी मेरे को बताएं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ना अभी आते हैं। मैंने बहुत सारे आपको है ना, आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखोगे ना जो मैंने अनबॉक्सिंग की है, उनके अंदर बहुत कम लोग आए हैं। और अनबॉक्सिंग तो मैंने अलग की है, और जो मैंने अभी जो मतलब बेस्ट फ़ोन वगैरह बताने की कोशिश की है, बेस्ट लैपटॉप वगैरह, उनके अंदर तो और भी कम लोग आने लग गए हैं। तो वही बात है कि आप जो फेक हो ना वो चले जाओ, जो मेरे जेन्युइन है ना वो ही इसमें रहना, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिट की बात है। तो बस मैंने आपके इतने क्वेश्चंस के आंसर देने थे। आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी ना तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई स्किप करके ऐसे इधर उधर घूम रहा है, स्किप कर रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है, तो उसे चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। तो आपके तीन क्वेश्चंस थे, मैंने तीन के आंसर आपको दे दिए हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अभी भी कुछ दिन तक अनबॉक्सिंग नहीं आएंगी, कुछ अलग वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो वो वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगी। तो दो तीन दिन तक तो वही आएंगी, उसके बाद में अनबॉक्सिंग आएंगी। आप मेरे को चलो कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अनबॉक्सिंग चाहिए कि या फिर रिजल्ट चाहिए, ये भी आप मेरे को बता सकते हो। मैं थोड़ा सा सोचूंगा क्योंकि अनबॉक्सिंग करूँ कि ना करूँ, क्योंकि फिर वही बात है, आप अगर अनबॉक्सिंग देखना ही नहीं चाहते तो फिर मेरा करने का भी क्या फ़ायदा। तो बस आप मेरे को कमेंट करके आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, वो सारी आप मेरे को बता सकते हो। आपका कोई भी सजेशन है वो मेरे को आप बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर देते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर दे सकते हो, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर में से भी कुछ लोग अब जा चुके होंगे, तो उनको भी अगर आप शेयर कर सकते हो तो थैंक यू वेरी मच।